काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। लिव लाइफ इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अ मार्क एंड इट बिकम्स एन एग्जांपल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुर्ग मेथी मलाई की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इस रेसिपी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरे आने वाली ऐसे ही यम्मी रेसिपीज़ के लिए, और अपनी लवली फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे एक गिलास पानी, फिर उसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाई फ्लेम पर पहले इसको एक बॉइल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक बॉईल आता है तो इसमें ऐड कर देंगे 700 ग्राम ये चिकन है, हड्डी वाला गोश्त है, इसको वॉश करके मैंने ड्रेन कर लिया है। उसके बाद इसमें ऐड करके इसको एक बॉईल आने देंगे। इसको ज़्यादा हमें पूरा पकाना नहीं है, बट इसको 2 से 4 मिनट के लिए ढक के इसको हाई फ्लेम पर हम 2 से 4 मिनट के लिए एक बॉईल आने देंगे। उसके बाद इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और ये जो पानी है इसको हम रखेंगे, इसे हम बाद में ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इस चिकन को फ्राई कर लेंगे, पहले ही तेल को गरम करने के लिए रख दें। उसके बाद चिकन को हल्का सी दोनों साइड से पिंकिश कलर आने तक इसको तल लेंगे। पैन ले लेंगे, पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून ऑयल। बटर को मेल्ट हो जाने देंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कुछ गरम मसाले, स्टार फूल, बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, 8 से 10 लहसुन, 4 से 5 अदरक की डंडियाँ। फिर उसके बाद ऐड करेंगे 10 से 12 काजू, ऐड करेंगे 3 से 4 लाल मिर्ची, 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, और इसको सौते करना है। इसके बाद इसको हल्का से पिंकिश कलर आने देंगे, हल्का से सौते कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्ची। उसके बाद इसको सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसको ढक के सॉफ्ट होने तक, टमाटर के गल जाने तक इसको पकाना है। 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे और 2 से 4 मिनट के लिए, जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता, इसको सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको ठंडा करके इसमें से अक्के मसाले निकाल के इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। पैन ले लेंगे, पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और उसके बाद ये इसमें ऐड कर देंगे मेथी, और ये मेथी के लीव्स है जिसको डंडियां नहीं रखेंगे इसमें। और उसके बाद इसको चॉप कर लेंगे, या तो फिर इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, और हल्का से इसको सॉफ्ट होने तक इसको 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट सौते करना है, ताकि जो इसमें कड़वाहट है वो इसकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको अलग रख देंगे। पैन ले लेंगे, पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। उसके बाद जो कांदे और टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे इसमें, और ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक और मिर्च ऐड कर लें। उसके बाद ढक के इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इस मसाले को भुनना है। तब तक इस मसाले को बीच में चलाते चलाते इसको भुनते रहेंगे, जब तक इसका तेल रिलीज़ नहीं हो जाता। और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद इसमें जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था इसको इसमें ऐड कर देंगे। और चिकन को हमें इस मसाले में पकाना है, तो 2 से 4 मिनट के लिए बिना पानी को ऐड किए हम इसमें इसको पकाएंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करें। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मिल्क क्रीम, ये घर की मलाई है, आप चाहे तो बाहर की फ्रेश अमूल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें इसको अभी इसी तरह से हमें पकाना है। उसके बाद इसमें 2 से 3 मिनट के बाद इसमें जो हमने चिकन स्टॉक रखा था, उस चिकन स्टॉक को इसमें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर दें, और इसको ढक के 10 मिनट के लिए इसको पका लें, ताकि चिकन और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन गल भी जाए। जब तक चिकन सॉफ्ट, टेंडर, जूसी नहीं हो जाता, इसको पका लेंगे, ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मेथी सॉफ्ट करके रखी थी, इसको इसमें ऐड कर देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक के 2 से 4 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, और बस इसको एक बार चेक कर लेंगे, ये पक गया है, रेडी है, चिकन एकदम गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, और मेथी का जो मिक्सचर है इसमें मिक्स हो चुका है, और सारा
हमारा टेस्ट भी इसमें आ चुका है। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है और ठंड का मौसम है, हरी सब्जियां भी बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप रोटी, नान, पराठा, राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करके अपने लवली प्यारे प्यारे लवली फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मे अल्लाह ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।